हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। और एंटरटेनमेंट तो है कि आपको नए नए ट्विस्ट देने के लिए। जब टीआरपी आती है तभी डिसाइड होता है कि आपके शो की कहानी किन लोगों को पसंद आ रही है या कितने घरों में आपके शो की कहानी देखी जा रही है। आजकल ओटीटी का ज़माना है तो कहानी ज़्यादातर जब पसंद आती है तो ज़्यादा जो है ओटीटी पर ही देखी जाती है। आजकल टीवी पर टाइम देना टीवी शो को देखने के लिए हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में बीआरसी कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि 2024 तक जहाँ पे डिज्नी हॉटस्टार के जो है लिए हुए हैं, जो है लगे हुए हैं, या फिर ये कहें कि G5 या सोनी लाइव या जियो, तो वहाँ से भी उनकी टीआरपी काउंट करेगा। चलिए फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर उम्मीद है कि शायद एकता कपूर के शो फिर से टॉप 5 पे अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस 2024 में बोला है, हो सकता है 2024 के लास्ट में हो या 2 या 3 मंथ बाद हो, क्योंकि आजकल टीआरपी बीआरसी को भी देखकर हैरानी हो रही है। उसी के बीच में मैं बात करने वाली हूँ एकता कपूर के मोस्ट पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य, जो कि जी टीवी पे सबसे बड़ा सफ़र कर चुका है, या ये कहें एकता कपूर का शो ये काफ़ी बड़ा सफ़र कर चुका है। ऐसे में आप इसमें तीसरी पीढ़ी देख रहे हैं। ऐसे में अगर इसकी पहले हम गुड न्यूज़ की बात करें तो 10 साल इस शो ने कंप्लीट कर लिए हैं। ना जाने 9 o'clock पर कितने शो आए अदर चैनल पर और कब चले गए। तो ऐसे में कुमकुम भाग्य अपना टस से मस नहीं हुआ, तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है कि सक्सेसफुली आज की डेट में 10 ईयर कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है। कभी ये शो टॉप 5 में रहा करता था, आज की डेट में ये शो स्लॉट किंग भी नहीं बन पा रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी बैड न्यूज़ की। बैड न्यूज़ ये है कि पहली बार जब इसने 10 साल कंप्लीट किए तो सेट पे सेलिब्रेशन हुआ, जहाँ पे श्रीति सबीर सभी ने जो है फैंस का दिल खुश किया एक साथ दिखाकर अपने आप को। ऐसे में उससे जो है फैंस खुशी हुए थे कि नेक्स्ट डे टीआरपी आ गई और 1.2 टीआरपी आई, जहाँ पे टीआरपी देखकर सभी शॉक हो गए। 1.2 टीआरपी जहाँ पे हर चैनल की टीआरपी डाउन है, लेकिन पहली बार 10 सालों में कुमकुम भाग्य की इतनी कम टीआरपी देखी गई, 1.2। तो ऐसे में एक दिन सेलिब्रेशन, नेक्स्ट डे ऐसी टीआरपी की जो 10 ईयर में सारा रिकॉर्ड तोड़ रही। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या कुमकुम अपनी टीआरपी संभाल लेगा, या एकता कुमकुम को फिर से ऊंचाइयों पर लेकर चली जाएगी, या अगला नंबर कुमकुम का ही लगेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।